संबल हिंसा को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ा निर्देश। मामलारे ट्रायल कोर्ट नहीं पारिबे नि कोनोसी एक्शन। जामा मस्जिद सर्वे स्थगित रखिले सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जीवा को मस्जिद कमिटी को निर्देश। आसंता वर्ष जनवरी 6 परे मामलार परवर्ती सुनानी। संबल शाही जामा मस्जिद विवाद नहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निष्पत्ति। मुस्लिम पक्षरु हाईकोर्ट जीवा को निर्देश सह ट्रायल कोर्ट मामला को आग को न बढ़ाइबा को निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सहित एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे रिपोर्ट को बंद लफाफा रे रखिबा को दैछंती निर्देश। शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे विरोध रे होइतिबा हिंसा कांड रे पांच जन मृत्यु पर निर्देश जारी करिछंती सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट का राय न आसीबा पर्यंत सर्वे स्थगित रखिबा को ट्रायल कोर्ट को निर्देश सह सर्वे कमिटी को रिपोर्ट मुदा लफापारे रखिबा को निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। सर्वे रिपोर्ट जेपरी सार्वजनिक न हुए सेति प्रति ध्यान देबा को देइछंती कड़ा निर्देश। तीनोटी कार्य दिवस मध्यरे मस्जिद कमिटी रो आवेदन तालिकाभुक्त करिबा को हाईकोर्ट को मध्य निर्देश जारी करिछंती सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस पीबी संजय कुमार को नहीं गठित दुई जनिया खंडपीठ। देखिए आज इस मामले में जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हारमोनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे के एम नटराजन साहब उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हारमोनी को मेंटेन करने के। जनवरी जो इनपुट था उसके हिसाब से लोगों को विश्वास में लेकर जो भी चीज हम कर सकते थे हमने किया। अब उधर से पथराव हुआ। पथराव जब होता है या अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश होती है, इस तरह का उपद्रव होता है, तो उसके लिए नॉर्म्स हमारे हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत चले, पहले समझा के वापस किया, फिर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई, बहुत सारी जो चीजें थी। और सबसे बड़ी हमारी सफलता है कि न तो हमने इसको फ्लेयर अप होने दिया, हमने एक बहुत कम समय में इसको कंट्रोल भी कर लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं होने दी। ये हमसे ज्यादा यहाँ संभल के लोगों की सफलता। वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करें। चार लोग जो मरे उनकी जिम्मेदारी, हाँ उनकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिट जो दायर करेगा उस पर प्रेशर पुलिस नहीं बनाएगी और न उनको टार्चर किया जाएगा न उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पूरी आजादी होगी अपनी बात कहने की। आपके बेटे पे जो एफआईआर हुई उस पर कुछ बोलिए कि हाँ वो स्टे हो गया, उस पर स्टे हो गया। वो तो यहाँ थे भी नहीं, संबंध में नहीं थे, लेकिन ये ना तुर्कमेनिस्तान भी किसी की रिपोर्ट लिखाई ना ना पठान ने लिखाई तो तुर्कमेनिस्तान की लड़ाई क्या। और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, 10 दिन का समय और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो ये गैर कानूनी है बिल्कुल। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को नहीं एबे भी उत्तेजना जारी। शुक्रवार कड़ा सुरक्षा बल मध्य नमाज पाठ शेष हो सुरक्षा पाई 15 कंपनी निरापत्ता बाहिनी मुतयन हो ड्रोन जरिया स्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखिंट प्रशासन। हिंसा कांड को नहीं मोट 7 मामला रुजु हो मोट 27 गिरफ के मध्य 25 अभियुक्त को जेल पठाई दी जाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना आवे, बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी। एसी आरएएफ आरआरएफ डिप्लॉयड है, सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और जुम्मे की जो नमाज है शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। थैंक यू। सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, शहर में पूरे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन सबका ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति व्यवस्था व्याप्त है। मस्जिद कमेटी द्वारा भी वॉलंटियर्स दिए गए हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाएगी। मुगल शासक बाबर के शासन काल 1526 एठारे हिंदू मंदिर भांगी शाही जमा मस्जिद निर्माण करा अभियोग करिछि हिंदू पक्ष। ट्रायल कोर्ट रो दरस्त होई मस्जिद उच्छेद करिबाकु हिंदू पक्ष दाबी करथिले। मामलार शुणाणी करी ट्रायल कोर्ट प्रत्नतात्विक सर्वे कमिटी को सर्वे निर्देश देवा परे नवंबर 24 सर्वे आरंभ करिथिला एसआई।
किंतु संख्यालघु गोष्ठी सर्वे टीम उपरकु पत्थर माड़ करिबा परे हिंसात्मक परिस्थिति सृष्टि होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।